मीडियम साइज की सूजी लेंगे। एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी को गर्म करेंगे। घी जब गर्म हो जाए तो उसमें ये सूजी डालकर सूजी को हिलाते हुए मीडियम आंच पर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं ये सूजी अब भून चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद गरम सूजी में 1 से 1.5 कटोरी पीसी शक्कर मिलाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। और उसे भी अच्छे से मिलाएंगे। हमें दूध को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अच्छे से मिलाने के बाद इसे 3 से 4 घंटे तक ढककर रख देंगे। 4 घंटे बाद हम गुजिया बनाने के लिए अब आटे को गूंथेंगे। मैंने यहाँ पर गुजिया बनाने के लिए मैदा लिया है। उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंथ लेंगे। हम पूरी बेलने के लिए जिस प्रकार से आटा गूंथते हैं उसी प्रकार से हमें भुजिया बनाने के लिए आटे को गूंथना है। अब थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे तेल में अच्छे से मसल कर इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। चार घंटे बाद हमने जो सूजी को भून कर रखा था वो अच्छे से नरम हो चुकी है। अब इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर और कद्दूकस करा हुआ नारियल मिलाएंगे। मिनट बाद हमने जो मैदे का आटा गूंथा था उसे एक बार अच्छे से मसल लेंगे। और उसकी इस प्रकार से छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। उसे पूरी के आकार में बेल लेंगे। ये मैंने गुजिया बनाने का सांचा लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा आटा डालेंगे। पूरी को सांचे पे रख देंगे और इसकी एक साइड में भुनी हुई सूजी का मिश्रण भरेंगे। इसके किनारों पे पानी लगाएंगे। और सांचे को ऊपर से बंद करेंगे। बंद करके इसे अच्छे से दबा देंगे और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा पूरी है उसे निकाल लेंगे। अब सांचे को खोलेंगे। आप देख सकते हैं गुजिया बन चुकी है। अगर आपके पास गुजिया बनाने का सांचा नहीं है तो आप इस तरह से भी गुजिया को बना सकते हैं।
गुजिया तलने के लिए एक कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। तेल को तेज आंच पर गर्म कर लेंगे और फिर आंच को मीडियम कर लेंगे। एक एक करके गुजिया को डालेंगे। इस प्रकार से हिलाते हुए दोनों तरफ से अच्छे से तल लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारी गुजिया को तल लेंगे। अब देख सकते हैं हमारी गुजिया तल कर तैयार है। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है और खास करके त्योहार पर खाई जाती है।